हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और अभी लाइट चला गया था, तो अभी फटाफट लाइट आ चुका है। और आज मैंने सिर नहीं धोया, पर मैं नहा चुकी हूँ और मैंने अभी पूजा वगैरह सब कर लिया है। मैंने कान्हा जी को भी इधर नहला दिया है, और नहला के उनको जो खिलाना था वो भी खिला दिया। और अब मैं चलूँगी खुद का लिए खाना कुछ खाने, क्योंकि मुझे लगी है भूख। तो मैं देखती हूँ मेरी बहन आज क्या बना रही है, क्योंकि सुबह उसको उठाया था तो वो उठी नहीं, तो अभी वो खा। तो ये नाच नाच के खाना बनाती है ऐसा। एक भी जलना नहीं चाहिए। जला है, दिखाओ हमको कहाँ डाला है। अच्छा, तो गाइस देख सकते हैं टेस्टी है, जला तो नहीं है। इसको जला तो नहीं, इतना ज़्यादा क्यों बना दिया? वो आलू क्यों बना रहे फिर? आलू अलग चीज़ होता है, बैंगन अलग चीज़ होता है। बैंगन अलग चीज़ होता है, हम जो था आलू बैंगन सेम होता है। तो पता नहीं कैमरा में क्या लग जाता है, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे देख सकते हो आलू भी कट कर रखा है इसने, और यहाँ पे गाना ही बस सुनते रह रही है। तो इसको ऐसे पकड़ के ऐसे पलट देना है। देखा, सीखा, सीख गया, सीख गया। बोलो 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 बोलो। और ये हमारा फ्रिज देख सकते पूरा खाली है, बस एक स्वीट पोटैटो बचा हुआ है। भोनी, आलू बॉयल करके खाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो मिर्ची का टूटा टूटा वाला पूरा फ्रिज भी थोड़ा सा साफ करना। अब हम लोग जब गांव जाने लगेंगे, आप लोगों को बता रही थी कि हम लोग अभी गांव जाने वाले हैं बहुत जल्द, तो दीपावली से पहले चले जाएंगे। वैसे सोच रही थी दीपावली तक रुकूँ, पर छठ पूजा भी उसी टाइम होता है 6 दिन बाद, तो जाने में हमें बहुत तकलीफ हो जाएगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि करवा चौथ के बाद चलते हैं मतलब। तो उससे पहले, करवा चौथ से पहले या तो करवा चौथ के एक दिन बाद मैं पूरा घर वगैरह साफ़ करके जाऊंगी, पूरा क्लीन रहेगा। इनको दीपावली में साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ झाड़ू लगाना और पोछा लगा देना पड़ेगा। मंदिर वंदिर सब धो धा के मैं अच्छे से रख के जाऊँगी। तो मैं जाऊँगी कितना, 5-6 को जाऊँगी, कुछ दिन बाद तो आ ही जाएगा दीपावली। और वैसे भी ये घर में मेरे को नहीं लगता मेरे जाने के बाद ये खाना वाना कुछ बना के खाएँगे ऐसा पर्सनली खुद अपने लिए। ये ज़्यादातर बाहर से ही खा लेंगे, क्योंकि इनको आदत लग गई है मेरी। तो अब कभी भी ऐसा होता है कि कभी भी मैं नहीं रहती हूँ, वैसे तो ज़्यादातर नहीं, 2-3 बार अभी गांव जा चुकी हूँ तो मैं नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि खुद बना के नहीं खाया और बाहर खा लिया। 1-2 बार शायद दोस्तों के साथ खाया होगा इन्होंने घर पर मछली वगैरह बना के, पर ऐसे पर्सनल कुछ अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल के नहीं खाया। और देख सकते हो इतना धूप है, दिखाती हूँ मैं आप लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पेड़ पौधा, बहुत मुझे तकलीफ लग रहा है देख के, क्योंकि मेरे पास मिट्टी नहीं है। और मिट्टी जो उस दिन हम लोग लाए थे, जो आप लोग ये छोटा वाला देख रहे हो, तो ये मिट्टी जो बहुत बालू बालू है, तो पेड़ जो है हम लोग का जो पौधा है, पेड़ बोल रही सॉरी, पौधा जो है वो बढ़ नहीं रहा है, उतना का उतना ही है। और ये डोगी लोग यहाँ पे देखो कैसे देख रहा है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो उसे लग रहा है मैं कुछ फेंक के मारूंगी। तो मैं उसे मारती तो नहीं हूँ, बस डराती हूँ क्योंकि ज़्यादा ना भौंके। पर एक तरफ से देखा जाए तो वो हमारे सुरक्षा रहने के लिए भौंकता है। क्यों? क्योंकि कोई अलग अगर हम लोग आते हैं तो नहीं भौंकता, हमें पहचान चुका है वो। वही अगर दूसरा कोई आता है तो इतना भौंकता है, दूसरा का बाइक देखेगा जो यहाँ का बिल्कुल आदमी नहीं है, उसको देख के अगर रात को देख लेगा तो पूरा ऐसा चिल्लाएगा। जो आदमी आता है वो भी डर जाते हैं, बहुत चिल्लाता है ये। तो फ्रेंड, हम लोग गए थे अभी नीचे मैं करीब एक दो घंटा क्या बोला बनी, आधा घंटा तक हमने वॉक किया। और इसने थोड़ा सा 5 मिनट झूला झूला, हालांकि मैंने इसको बोला मत झूल, ये बोली कि झूलूंगी। मैंने बोला तू झूल, मैं जाती हूँ। तो इसको डर लगा, तो ये 5 मिनट झूला होगा ना, 5 मिनट झूल के फिर वापस मेरे पास आ गई। और अभी किचन का हालत कुछ ऐसा अंधेरा है अभी, तो इसको मैंने बोला चावल चढ़ा दे, तो इसने चावल इतना बड़ा वाला गैस में चढ़ा दिया। भोनी, सिर्फ सीटी मारते रह जाएगा, तुम तो मेरा गैस ऐसे ही वेस्ट कर देगा। इसको अगर कुछ काम दो तो फटाफट कर लेती है और फटाफट मोबाइल में घुस जाती है, अक्कल नाम की चीज़ तो है नहीं इसके पास। तो देख सकते हो बेड को मैंने आज सुखाया था, बहुत हार्ड मोटा भारी हो गया, उठा के जैसे तैसे लेके गई थी और सुखाया। और अभी तक बीरू आए नहीं हैं, अब आएंगे। फ़ोन किया था उन्होंने, थोड़ा कम कर लिया आवाज़, ब्लॉग बना रही हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं है, कम कर ले, मेरा मोबाइल में आवाज़ खींचता है। और देख सकते हो रात हो चुकी है पूरा, आज मैं इतना लेट सोई हूँ, मतलब इतना देर तक सोई हूँ,
करीब मैं सोई थी कितने बजे, 3:30 बजे उठी हूँ, 5:30 बजे, और मैं इतना सपना देखी उठ जा रही थी, फिर सो जा रही थी, ऐसे करते करते ना मेरा दिमाग ऐसे लग रहा अभी हैंग हो रहा है, इतना भी नहीं सोना चाहिए, सो 1 घंटा ज़्यादा है, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलो गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए सोच के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपना परिवार का ख्याल रखना।